बिल्कुल सर, रामबाड़ है, यूपीएससी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करने चाहिए। लगाने का तरीका अगर आपने सीख लिया कि उस दो घंटे में आपको मैक्सिमम यूटिलाइज कैसे करना है। टेस्ट सीरीज बहुत जरूरी है फॉर ऑल थ्री स्टेज, मतलब प्रीलिम्स के लिए भी आपको बहुत सारे मॉक सॉल्व करने चाहिए, मीन्स के लिए भी जो सबसे जरूरी चीज़ है वो आंसर राइटिंग है, एंड इवन फॉर द इंडिया। देखिए प्रीलिम्स में क्या होता है, कोई भी कितना भी बड़ा टॉपर हो उनको क्वेश्चन 50-60 इतने ही आते हैं, आधा पेपर किसी को भी नहीं आता क्योंकि वो बहुत ही डायनेमिक, यूपीएससी इज वेरी अनप्रेडिक्टेबल। लेकिन अगर आपने वो वाले आते हुए क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए, पहला गाइडेंस ये है कि आप बहुत ज़्यादा सोर्सेस के पीछे ना भागकर बेसिक सोर्स कंप्लीट कर लीजिए, बेसिक अंडरस्टैंडिंग कंप्लीट कर लीजिए, और उसके बाद आप जो है पेपर सॉल्विंग टेक्निक ऑफ इंडिया बट ये वर्ल्ड का टफेस्ट एग्जाम है, तो आप सबसे बड़ी लड़ाई जब लड़ रहे हो तो ये क्वेश्चन आपने बहुत अच्छा पूछा है, ये मैं जरूर बोलना चाहूँगा। बहुत सारे जो कैंडिडेट्स होते हैं जिनको काफ़ी अटेंड रखते हैं, देखिए अफेयर्स को लेकर भी काफ़ी इशू रहता है, तो आपने कैसे तैयार किया करंट अफेयर्स को, कौन सा न्यूज चैट के लिए क्या स्ट्रेटजी थी, क्या मतलब कैसे तैयारी की, पर्टिकुलर प्लेस इज रिलेटेड टू विच कंट्री, तो मान लो आपको वो प्लेस के बारे में नहीं पता है पर ऑप्शन में आपको दो तीन जो कंट्रीज दिए हैं, हाँ मतलब एक प्लेस दे दिया, ऑप्शन दे दिया अफगानिस्तान, यूक्रेन, रशिया। कोशिश करनी चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की आप हैबिट डालें, जो क्वेश्चन आपको पूरे नहीं भी आते उनको भी सही, जैसा कि मैंने कहा इट इज ऑल अबाउट टेक्निक। हेलो सर, कैसा हुआ इंटरव्यू? बहुत अच्छा। कौन सा अटेम्प्ट था सर आपका? थर्ड। और इंटरव्यू कौन सा था? फर्स्ट। सर आपका ऑप्शनल और मीडियम क्या था? ऑप्शनल PSIR है, पॉलिटिकल साइंस इंटरनेशनल रिलेशन, और मीडियम इंग्लिश। सर थोड़ा अपने बारे में बताइए, आपका नाम क्या है और एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है? मेरा नाम गौतम सिंह है, मैंने ग्रेजुएशन किया है हिस्ट्री ऑनर्स में दिल्ली यूनिवर्सिटी से, उसके बाद मैंने LLB किया है लॉ फैकल्टी ऑफ DU से, और मेरा ऑप्शनल जो है PSIR है। सर आपका थर्ड अटैम्प्ट था और सेकंड इंटरव्यू था, जो पिछले अटैम्प्ट थे फर्स्ट इंटरव्यू, तो जो पिछले अटैम्प्ट था उनका क्या रिजल्ट था? उनमें प्रीलिम्स नहीं क्लियर हुआ। प्रीलिम्स सर आपने गलतियाँ एनालिसिस की होंगी, क्या गलतियाँ रहीं, फिर बात को क्या इंप्रूवमेंट किया? देखिए सबसे बड़ी गलती प्रीलिम्स के लिए जो मैंने भी की और बहुत सारे कैंडिडेट करते हैं, क्वेश्चन सॉल्विंग टेक्निक बहुत जरूरी है, मतलब सिर्फ नॉलेज गेन करने पे हमें ध्यान नहीं देना चाहिए। तो मैंने यही गलती की कि मैं पढ़ता गया लेकिन जो टेक्निक डेवलप करनी चाहिए क्वेश्चन सॉल्विंग की वो नहीं की, वो मैंने इस बार की। तो सर अभी इंटरव्यू देकर आ रहे हैं, कैसा एक्सपीरियंस रहा, कौन सा बोर्ड था और माहौल कैसा था रूम का? बोर्ड जो है प्रीति सुदान मैम का था और बहुत ही कॉर्डियल था इंटरव्यू, बहुत ही कॉर्डियल, टोटली बेस्ड ऑन डेफ, और क्वेश्चन भी जो थे ओपिनियन बेस्ड भी क्वेश्चन थे, कुछ फैक्चुअल क्वेश्चन भी थे, एक दो क्वेश्चन फैक्चुअल भी थे, बट ओवरऑल वेरी कॉर्डियल। कुछ क्वेश्चंस बता पाओ हमारे व्यूअर्स को, क्या क्वेश्चंस पूछे गए? हाँ जैसे मैम ने ही, चेयरमैन मैम ने सबसे पहले, चूंकि मेरा PSIR ऑप्शन था, तो उन्होंने पूछा कि नैम की रेलिवेंस, व्हाट इज़ द रेलिवेंस ऑफ नैम इन टूडेज वर्ल्ड। हाँ तो मैंने उसका जवाब दिया कि क्योंकि वॉर्स हो रही हैं और इकोनॉमिक डिप्रेशन हो रहा है, तो इसके वर्स्ट सफरर जो है वो डेवलपिंग नेशंस हैं, तो इसलिए उन्हें एक फोरम चाहिए सॉलिडेरिटी के लिए। तो एक क्वेश्चन उन्होंने पहला नैम पे पूछा, इसी क्वेश्चन में मैंने क्योंकि रशिया यूक्रेन वॉर का जिक्र किया, तो फिर उन्होंने पूछा कि रशिया यूक्रेन वॉर के को एंड करने के लिए क्या किया जा सकता है, चाइना का क्या रोल हो सकता है, इंडिया का क्या रोल हो सकता है, तो एक क्वेश्चन ये रहा। इसके अलावा लॉ से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन थे, फॉर एग्जांपल आई वाज मेंबर ऑफ द डील मीडिएशन कॉम्पिटिशन इन माई कॉलेज, तो उन्होंने मीडिएशन के ऊपर क्वेश्चन पूछा, हाउ इट कैन बी यूजफुल। सर जैसा कि आपने बताया डेफ बेस्ड रहा ज़्यादातर आपका इंटरव्यू, तो क्या क्वेश्चन पूछे गए डेफ से आपके? डेफ से पहला तो मेरे डिस्ट्रिक्ट के बारे में, स्टेट के बारे में पूछा गया, फिर जैसा कि मैंने बताया डील मीडिएशन के बारे में पूछा गया कि मीडिएशन कैसे यूजफुल हो सकता है, अदर देन दैट हिस्ट्री मेरा ग्रेजुएशन सब्जेक्ट है तो हिस्ट्री पे भी कुछ क्वेश्चन पूछे गए, यही था। डिस्ट्रिक्ट से क्या क्वेश्चन पूछा गया आपने? ओवरऑल इंट्रोडक्शन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट, कि टेल अस समथिंग अबाउट योर डिस्ट्रिक्ट, उसकी हिस्ट्री क्या रही है, करेंटली उसकी रिलेवेंस क्या है, वेरी ओपन। करंट अफेयर्स से कौन सा क्वेश्चन पूछा था? करंट अफेयर्स से अभी रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर हैज इनॉग्रेटेड वाटर मेट्रो इन केरला, तो उसके बारे में पूछा कि उसको वाटर मेट्रो क्यों बोला जा रहा है, और बाकी रशिया यूक्रेन वॉर भी करंट अफेयर्स में उसको कंसीडर किया जा सकता है, बाकी करंट अफेयर्स से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है। सर कोई सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन पूछा था? हाँ क्या सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन थे कि इफ़ यू आर मेड ए डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ऑफ डिस्ट्रिक्ट, तो व्हाट स्टेप्स विल यू टेक, तो मैंने इसका जवाब दिया कि मैम फर्स्टली इट विल डिपेंड ऑन विच स्टेट आई एम पोस्टेड, क्योंकि उसकी पर्टिकुलर सिचुएशन होगी। इफ़ आई एम पोस्टेड इन उत्तर प्रदेश, तो फिर मैंने बोला कि ह्यूमन कैपिटल डेवलपमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है और ह्यूमन कैपिटल तो एजुकेशन हेल्थ तो प्रायोरिटी वाइज उन्होंने बोला। थर्ड मेंबर ने एक क्वेश्चन और पूछा था सिचुएशन बेस्ड, कि कोऑर्डिनेशन अगर नहीं होता है एडमिनिस्ट्रेशन में तो हम उसको कैसे कोऑर्डिनेट करें, इफ़ यू आर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हाउ विल यू कोऑर्डिनेट विद ऑल द मेंबर्स। अच्छा बात करें जो मेंस के रिजल्ट के बाद आपको गैप मिला इंटरव्यू के लिए, उसमें आपने इंटरव्यू के लिए कैसे प्रिपेयर किया, क्या क्या करते थे आप? सर बेसिकली तो डेफ मेरा डेफ तो पर्टिकुलरली बहुत ही ब्रॉड था, हिस्ट्री PSIR एंड लॉ, तो वो इशूज और उनसे रिलेटेड करंट अफेयर्स पे मैंने फोकस किया, बाकी दो तीन न्यूज़पेपर जितना, दो न्यूज़पेपर तो रिलीजियसली पढ़ा, हिंदू एंड एक्सप्रेस, उसके अलावा भी जो एडिटोरियल्स वगैरह पढ़ सकते थे, तो मोस्टली येगा। सर जैसा कि बताते हैं कि इंटरव्यू एक पर्सनैलिटी टेस्ट है, तो आप अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप करने के लिए क्या क्या करते थे?
सर पहले तो मैंने मॉक्स दिए, जैसे कुछ मॉक्स में आई हैव बीन अ डिबेटर और मैं पब्लिक स्पीकिंग भी वन ऑफ माय हॉबीज थी, उस पर उन्होंने क्वेश्चन पूछा था पब्लिक स्पीकिंग पे। तो मुझे मॉक्स में बोला गया कि आंसर्स इन द इंटरव्यू शुड बी क्रिस्प। तो एक चीज़ जो मैंने डेवलप की कि उनके पास ज़्यादा टाइम नहीं होता, तो आपके आंसर जो है वो बहुत ही क्रिस्प एंड पॉइंट वाइज होने चाहिए, ज़्यादा एलेबोरेटिव नहीं होना चाहिए। तो मुझे लगता है कि एज फार एज द पर्सनालिटी डेवलपमेंट कंसर्न, हर किसी को वो एरिया फाइंड आउट करने चाहिए जहाँ उन्हें इंप्रूवमेंट की जरूरत है। कुछ लोग हैं जो एक्सप्रेस नहीं कर पाते, तो उन्हें एक्सप्रेस करने की आदत डालनी चाहिए। मैं पर्सनली ज़्यादा एक्सप्रेस करता था चीज़ों को, तो मैंने क्या कल्टिवेट किया ग्रेजुअली कि मुझे पॉइंट वाइज बोलना चाहिए और क्रिस्प बोलना चाहिए। तो हर किसी को पर्सनली डेवलप करना चाहिए। सर बात करें आपकी प्रिपरेशन की, तो कैसे हुई, कोचिंग का हेल्प लिया है, सेल्फ स्टडी के लिए? स्टार्टिंग में मैंने कोचिंग की हेल्प ली थी जब मैंने प्रिपरेशन शुरू की थी इन द फर्स्ट अटेम्प्ट। बाकी मेंस के लिए मैंने पूरा अपने, हाँ टेस्ट सीरीज बहुत ज़रूरी है फॉर ऑल थ्री स्टेज, मतलब प्रीलिम्स के लिए भी आपको बहुत सारे मॉक सॉल्व करने चाहिए, मेंस के लिए भी जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो आंसर राइटिंग है, एंड इवन फॉर द इंटरव्यूज टू फाइंड आउट व्हाट आर द एरियाज ऑफ योर पर्सनैलिटी जिसमें आपको डेवलपमेंट की जरूरत है, चेंज करने की जरूरत है, उसके लिए भी मॉक्स जो है। तो मॉक्स में अलग अलग कोचिंग के मॉक्स ले लो, वही मेंस का भी, तो मतलब प्रैक्टिस के लिए ज़्यादा ज़रूरी है। सर जैसा कि आपने बताया शुरुआत में आपने कोचिंग लिया, तो आपको क्या लगता है कितना हेल्पफुल आपके लिए कोचिंग? सर मेरे लिए तो ज़्यादा हेल्पफुल नहीं रहा, जैसा कि आप देख रहे हैं मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं हुआ क्लियर। और मुझे भी लगता है कि बेसिक बुक्स को पढ़ना ज़्यादा ज़रूरी है। बच्चों को मोस्टली क्या होता है, स्टार्टिंग में एक फियर ऑफ मिसिंग आउट होता है कि अगर हम कोचिंग नहीं करेंगे तो कुछ छूट जाएगा। तो मेरा बेसिक यही, मेरी यही रीज़न थी पर्सनली आई फील कि मतलब कोचिंग नॉट एट ऑल, वो नहीं, मैंडेटरी नहीं है। आप अपने आप से भी बेसिक बुक्स पढ़ करके, हाँ जहाँ जो चीज़ें समझ में नहीं आती तो आजकल यूट्यूब पे बहुत कुछ अवेलेबल है, कुछ फ्रेंड्स अगर आपके हैं तो आप उनसे डिस्कस कर लीजिए। तो मतलब बिल्कुल भी कोचिंग ना करना इज नॉट अ हर्डल। सर जैसे कुछ बच्चे प्रीलिम्स के लिए स्ट्रेटजी पूछना चाहते हैं, तो आप अपनी बता पाओ क्या स्ट्रेटजी रही, कैसे तैयारी की, क्या रिसोर्सेज रहे आपके? सर दो पिलर्स हैं प्रीलिम्स में सक्सेस के लिए। द फर्स्ट इज कॉन्सेप्चुअल नॉलेज की डेवलपमेंट होनी चाहिए, कॉन्सेप्चुअल एनसीईआरटीज पढ़ ली, इकोनॉमिक्स के लिए, ज्योग्राफी के लिए, हिस्ट्री के लिए कोई एक बेसिक बुक पढ़ ली, पॉलिटी हर कोई पढ़ता है, लक्ष्मीकांत। मैं जिसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता हूँ दैट इज़ द सेकंड पिलर, प्रैक्टिस आपको बहुत ज़्यादा करनी चाहिए, बिकॉज आई हैव सीन स्टूडेंट्स जो बहुत कम नॉलेज पर भी प्रीलिम्स क्लियर कर लेते हैं, आराम से करते हैं, क्योंकि उनकी क्वेश्चन सॉल्विंग एप्टीट्यूड जो होता है मेरे हिसाब से वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हाँ सर जैसे आप प्रीलिम्स को एक ही महीना बचा है, बहुत कम समय बचा है, तो एज फ्रेंड को आप क्या करना चाहिए, मतलब कौन सा सवाल क्या तैयार करना चाहिए, आप कैसे तैयारी करनी चाहिए? बिल्कुल सर, रामबाड़ है यूपीएससी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करने चाहिए। पहली चीज़ वो एरिया पता चलेंगे कहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं, और दूसरी चीज़ ये पता चलता है कि यूपीएससी ऑप्शंस को कैसे सेट कर रहा है। तो जैसा कि मैंने कहा, आप बहुत ही मिनिमल, कभी ये कॉम्प्लेक्स इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स नहीं होना चाहिए कि मेरी नॉलेज कम है, नॉलेज बिल्कुल भी डिसाइड करने वाला फैक्टर नहीं है। अगर आपने यूपीएससी के पेपर्स को सॉल्व करके एरियाज इंपॉर्टेंट फाइंड आउट कर लिया, और लगाने का तरीका अगर आपने सीख लिया कि उस दो घंटे में आपको मैक्सिमम यूटिलाइज कैसे करना है, तो यू विल गो थ्रू प्रॉब्लम। सर जैसे जब एस्पिरेंट प्रीलिम्स का एग्जाम दे रहे होंगे, मतलब एग्जाम हॉल में बैठेंगे, तो उनको किन बातों का ध्यान रखें, पेपर को कैसे टैकल करें? यस सर, सबसे पहली बातों का ध्यान कि आप मॉक्स लगा के अपनी स्ट्रेटजी बिफोर हैंड आप प्रिपेयर रखिए। फॉर एग्जाम्पल वॉट इज योर एरिया ऑफ स्ट्रेंथ, फॉर एग्जाम्पल पॉलिटी अगर आपका एरिया ऑफ स्ट्रेंथ है तो पहले पॉलिटी के क्वेश्चन सॉल्व करिए। पहले अगर आप साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे जूझ गए, आया नहीं, कॉन्फिडेंस भी चला जाएगा, टाइम भी ज़्यादा चला जाएगा। तो पहले देखिए प्रीलिम्स में क्या होता है, कोई भी कितना भी बड़ा टॉपर हो, उनको क्वेश्चन 50-60 इतने ही आते हैं, आधा पेपर किसी को भी नहीं आता, क्योंकि वो बहुत ही डायनेमिक, यूपीएससी इज वेरी अनप्रेडिक्टेबल। लेकिन अगर आपने वो वाले आते हुए क्वेश्चन सॉल्व कर लिए जो स्टैटिक हैं, जैसे कहते हैं पॉलिटी इकोनॉमिक्स, इनके क्वेश्चन अगर आपने सॉल्व कर लिए, 30-35 क्वेश्चन तो इन्हीं से हो जाते हैं जो मेजर सब्जेक्ट हैं, वो आपने सही सॉल्व कर लिए, उसके बाद आप उन क्वेश्चन पर जाइए जहाँ आपको थोड़ी सी डिफिकल्टी है, जो आपको पूरे नहीं आते हैं, और वहाँ फिर आप वो जो टेक्निक आपने इवॉल्व की है उसको लगाइए और फाइंड आउट, ट्राई टू फाइंड आउट। राइट सर, वैसे तो ये पर्सन टू पर्सन मतलब बिलोंग करता है, जैसे कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने चाहिए हमको प्रीलिम्स में, सही कितना अटेम्प्ट रहता है, कितने क्वेश्चंस? सर जैसा कि आपने कहा, ये टोटली डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन, और ये मॉक लगाते हुए ही पता चल जाना चाहिए। ठीक है, आपको पता चल कि मेरे कितने क्वेश्चन सॉल्व करने पर ज़्यादा मार्क्स आ रहे हैं। लेकिन पर्सनली अगर मैं ओवरऑल एक ओपिनियन दूँ जनरली, तो कोशिश करनी चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की आप हैबिट डालें। जो क्वेश्चन आपको पूरे नहीं भी आते उनको भी सही, जैसा कि मैंने कहा इट इज़ ऑल अबाउट टेक्निक, कोई क्वेश्चन आपको नहीं आता फिर भी यू शुड फाइंड आउट कि कौन सा स्टेटमेंट है। जैसे यूपीएससी का जो पेपर होता है वो एमसीक्यू बेस्ड होता है, मल्टी चॉइस क्वेश्चन होते हैं, तो अगर आपको पूरा क्वेश्चन नहीं भी आता तो कौन सा ऑप्शन आता है, किसे एलिमिनेट कर सकते हैं, इट इज़ ऑल अबाउट टेक्निक, जो कि मॉक्स लगा के डेवलप की जा सकती है। सर थोड़ा मेंस के बारे में बताएं, आपने आंसर राइटिंग वगैरह कब से स्टार्ट कर दी थी, क्या रिसोर्सेस रहे, कैसे तैयारी? सर आंसर राइटिंग स्टार्ट तो मैंने प्रीलिम्स के पहले से ही कर दी थी, पर जो असली प्रिपरेशन होती है वो तो रिजल्ट, प्री का रिजल्ट आने के बाद ही शुरू होती है। और उसमें भी देखिए एक चीज़ इसमें भी कॉमन है
कि योर रैंक इज़ नॉट प्रोपोर्शनल टू योर नॉलेज, बिल्कुल भी नहीं है. जो टेक्निक है, जैसे कि प्रीलिम्स की अलग टेक्निक है, मीन्स की अलग टेक्निक है, तो आंसर राइटिंग की जो तरीका होता है वो आपको डेवलप करना चाहिए बिफोर एंड. हाँ, तो इंट्रोडक्शन आपको कैसे लिखना चाहिए. मान लीजिए कोई क्वेश्चन आपको बहुत अच्छा नहीं भी आता, फिर भी आप डिमांड ऑफ द क्वेश्चन को कैसे आंसर कर रहे हैं, ये टेक्निक डेवलप होनी. तो जीएस तो आपका ऐसे हो जाएगा. ऑप्शनल इज वन एरिया जहाँ मुझे लगता है आप जितना एफर्ट डाल सकते हैं अगर नॉलेज गेन करनी है. ऑप्शनल सच एरिया जहाँ जितना एफर्ट डाल सकते हैं वहाँ पे आप डालिए, क्योंकि उसके आंसर भी जो है पैराग्राफ बेस्ड होते हैं अनलाइक जीएस, और वहाँ थोड़ा आपको स्पेशलाइजेशन दिखाना पड़ता है. जीएस में तो जर्नलिस्ट चलेगा, पर ऑप्शनल में मैंने चुना. सर, काफ़ी बच्चे कमेंट कर रहे थे कि जो यूपीएससी रैंडमनेस क्वेश्चन पूछता है उनको कैसे तैयार करें और पेपर में कैसे टैकल करें. प्रीलिम्स में या मेंस में? प्रीलिम्स में. प्रीलिम्स में जैसा कि मैंने, देखिए रैंडम क्वेश्चन पूछता है यूपीएससी, मे बी यू डू नॉट नो द आंसर, लेकिन अगर आप एक सीरियस कैंडिडेट है उसके बारे में आप कुछ ना कुछ तो जानते रहोगे. ठीक है, आईआर के बारे में कोई क्वेश्चन पूछा कि पर्टिकुलर प्लेस इज रिलेटेड टू विच कंट्री, तो मान लो आपको वो प्लेस के बारे में नहीं पता है, पर ऑप्शन में आपको दो तीन जो कंट्रीज दिए हैं, हाँ मतलब एक प्लेस दे दिया, ऑप्शन दे दिया अफगानिस्तान, यूक्रेन, रशिया, तो आपको अगर रशिया के बारे में पता है कि चलो ये प्लेस यहाँ का नहीं है, उसको एलिमिनेट कर सकते हो. तो बेसिक यही है कि वो क्वेश्चन अनसर्टेन तो होते हैं, लेकिन वो ऐसे भी नहीं होते कि आप कुछ भी ना बताओ. तो थोड़ा बहुत भी पता रहेगा तो सॉल्व किया जा सकता है. सर, जैसे काफ़ी बच्चे 2024 के लिए कर रहे हैं, 23 वाला तब होने लगा, तो 24 के लिए उनको कैसे तैयारी करनी चाहिए, कब ऑप्शनल ख़त्म कर लेना चाहिए, कब प्रीलिम्स की तैयारी करनी चाहिए और कब मेंस की? देखिए, जैसा मैंने कहा, सबसे ज़्यादा फोकस ऑप्शनल पे ही डालना चाहिए, क्योंकि ऑप्शनल जो हर टॉपर कहता है मेक और ब्रेक है. उसमें इमेंस पॉसिबिलिटी है नंबर पाने की. मतलब लोग 250-230 तक भी रहते हैं, 250, कुछ लोग 340-350 उसके भी क्रॉस कर रहे हैं. तो ऑप्शनल पे तो पहले आप कमांड रखिए लाइक ए स्पेशलिस्ट. ओके, एज फार एज जी एस मीन्स इज कंसर्न, उसको उस पर बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वही चीज़ आप प्रीलिम्स में भी पढ़ते हो और आफ्टर प्रीलिम्स वो आप डेवलप कर सकते हो. फिर जब आप ऑप्शनल से हो जाओ सफिशियंटली, फिर प्रीलिम्स पे पहला फोकस करना चाहिए. देखिए, मेजर कॉम्पिटिशन जो है प्रीलिम्स में खत्म हो जाती है. 10 लाख बच्चे दे रहे हैं, 10,000-12,000 सिलेक्ट होते हैं, तो 99% कॉम्पिटिशन वहाँ आ जाती है. तो प्रीलिम्स पे मैं सजेस्ट करूँगा जो एस्पिरेंट है, प्रीलिम्स पे कमांड करिए. और उसके कमांड कैसे करोगे आप, बेसिक बुक्स पहले कर लीजिए, कॉन्सेप्चुअल, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, और फिर आप सॉल्व करो पेपर. जैसे काफ़ी बच्चे सी सेट क्वालीफाई नहीं कर पा रहे हैं, तो सी सेट के लिए क्या स्ट्रेटजी थी, क्या मतलब कैसे तैयारी करनी चाहिए? सी सेट के लिए भी सर, जैसा कि मैंने जीएस के लिए बोला, प्रीलिम्स के लिए सबसे पहले यूपीएससी के पेपर सॉल्व करिए. तो उससे पता चलेगा पहले चीज़ कि कौन से एरियाज हैं जिनसे यूपीएससी पूछती है. जो कॉम्प्रिहेंशन का पोर्शन होता है, जब आप यूपीएससी का पेपर सॉल्व करेंगे, फिर आप देखेंगे मैंने क्या आंसर लगाया, फिर यूपीएससी का आंसर की देखेंगे उसमें क्या आंसर है, तो एक आपको आइडिया डेवलप हो जाएगा कि यूपीएससी कैसे सेट करती है. इट इज़ नॉट अबाउट कि हमें क्या सही लग रहा है, इट इज़ अबाउट यूपीएससी को क्या सही लग रहा है. तो आप ये करते करते एक जनरल टेंडेंसी कॉम्प्रिहेंशन के लिए सेट हो जाएगी. रीजनिंग देखिए बहुत ही कॉमन होता है, रीजनिंग मतलब कि आप अवेयर माइंड से अगर लगाएंगे, लेकिन उसके लिए भी थोड़ी बहुत प्रैक्टिस कर लीजिए यूपीएससी के पेपर्स की. बाकी थर्ड पोर्शन इज मैथ्स, कॉम्प्रिहेंशन हो गया, रीजनिंग हो गई. मैथ्स के लिए सर बहुत ज़्यादा टाइम देने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो बेसिक मैथ्स हैं वो कोई भी यूट्यूब चैनल लेकर या कोई बेसिक बुक एसएससी वगैरह की लेकर, परसेंटेज और प्रॉफिट लॉस, ये बेसिक मैथ्स कर लीजिए. मतलब वो देखिए पासिंग है, बहुत ही कम मार्क्स में चाहिए होते हैं. हाँ सर, एक करंट अफेयर्स को लेकर भी काफ़ी इशू रहता है, तो आपने कैसे तैयार किया करंट अफेयर्स को? कौन सा न्यूज़पेपर पढ़ते थे, और न्यूज़पेपर पढ़ते थे तो सेल्फ पढ़ते थे या एनालिसिस वगैरह देखा? सर देखिए, न्यूज़पेपर तो मैं पढ़ता ही था फॉर ऑल थ्री स्टेज. मतलब वो एक ऐसी चीज़ है जो मुझे लगता है कि करनी ही चाहिए हर तीन स्टेजेस पे, ये बिना सोचे कि इससे क्या क्वेश्चन आएगा, क्योंकि आपको एक जनरल अवेयरनेस पता रहती है और कई बार क्वेश्चन डायरेक्टली वहीं से आ जाते हैं कि क्या चल रहा है वर्ल्ड में. इसके अलावा स्पेसिफिकली प्रीलिम्स के लिए मैं विजन आईएएस की बुकलेट थी, और उसमें अब क्या है, उन्होंने प्रीलिम्स का अलग सेक्शन निकाल दिया है, तो कुछ माइन्यूट इन्फॉर्मेशन जो है, पर्टिकुलर टर्म है कोई, ये सब जो है वहाँ से पता चल जाता है. इसके अलावा जैसा कि मैंने कहा, अगर आप मॉक सॉल्व कर रहे हो तो जो बहुत ही प्रॉबेबल क्वेश्चन है, लाइक 2022 का जो प्रीलिम्स था, इसमें भी कुछ बहुत ही फेमस क्वेश्चन थे, वो आपको मॉक से भी मिल जाएंगे. मतलब अगर आप अलग अलग कोचिंग से मॉक सॉल्व कर रहे हो, तो मेरा मानना है 3-4 क्वेश्चन तो आपको करंट अफेयर के वहाँ भी. तो ये तीन अप्रोच अगर आप फॉलो कर सकते हैं, अगर न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं, अगर कोई भी एक कोचिंग की मैगजीन लेके माइन्यूट इन्फॉर्मेशन वहाँ से निकाल ली, और अगर मॉक सॉल्व कर रहे हैं, तो इट इज़ मोर देन सफिशिएंट. सर, जो भी एस्पिरेंट इस बार प्रीलिम्स दे रहे हैं, उनके लिए आप अपनी तरफ से क्या गाइडेंस देना चाहेंगे, गाइडेंस एडवाइस वगैरह कुछ? पहला गाइडेंस ये है कि आप बहुत ज़्यादा सोर्सेस के पीछे ना भागकर बेसिक सोर्स कंप्लीट कर लीजिए, बेसिक अंडरस्टैंडिंग कंप्लीट कर लीजिए, और उसके बाद आप जो है पेपर सॉल्विंग टेक्निक डेवलप करिए. मतलब पेपर सॉल्व करिए, देखिए क्वेश्चन क्यों गलत हो रहे हैं, और वो टेक्निक डेवलप करिए जिससे आप क्वेश्चन सही कर सकते हैं. इसी से आपको पता चलेगा आपको कितने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, इसी से आपको पता चलेगा कि आप मिस्टेक्स कैसे करते हैं, और इसी से आपको पता चलेगा कि आपको टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है. ये तीन चीज़ अगर कर ली, टाइम मैनेजमेंट, पेपर सॉल्विंग टेक्निक, और आपका एरिया ऑफ स्ट्रेंथ और वीकनेस का, तो प्रीलिम्स हो जाएगा. सर, जो भी एस्पिरेंट मतलब न्यू एस्पिरेंट तैयारी कर रहे हैं, तो वो शुरुआत में क्या गलतियां नहीं करें? जैसे आपका थर्ड अटेम्प्ट था, तो आपको गलतियां एनालिसिस की आपने, क्या गलतियां नहीं? यही है जो मैंने कहा, नॉलेज के पीछे बहुत ज़्यादा नहीं भागना है. ये नहीं कि एक बुक पढ़ ली हिस्ट्री की, फिर दूसरी भी पढ़ रहे हैं, इकोनॉमिक्स की श्रीराम भी पढ़ ली, मृणाल भी पढ़ रहे हैं, हैं 3-4 पढ़ रहे हैं, इससे कोई फ़ायदा नहीं होता है. क्योंकि क्वेश्चन जितने आप इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन यूपीएससी का देखिए, पीवाईक्यू क्वेश्चन बहुत ही कॉन्सेप्चुअल है, बहुत ही कॉन्सेप्चुअल, वो 4 बुक पढ़ने से नहीं आएंगे. लेकिन
लेकिन नॉलेज गेन करने के बाद जब उसको एप्लीकेशन का टाइम आता है उसके लिए प्रैक्टिस चाहिए होती है, क्योंकि वो दो घंटे का टाइम होता है, वहाँ अगर आपकी प्रैक्टिस नहीं है तो आप आता वो क्वेश्चन में गलत कर देंगे। तो मेरा सजेशन यही है कि बेसिक नॉलेज गेन करो, उसके बाद आप जो है प्रैक्टिस करना शुरू करो, जिससे आते हुए क्वेश्चन गलत ना हो, पॉलिटी इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन गलत ना हो। बात करें जैसा कि आपका थर्ड अटैम्प्ट था तो आपके लिए एक थोड़ी लंबी जर्नी हो गई, तो आपने इसमें अपने आप को मोटिवेटेड कैसे बनाए रखा? मोटिवेटेड सर, पहली चीज़ तो ये है कि आफ्टर एनी फेलियर, जिन भी स्टूडेंट्स को फेलियर फेस करना पड़ता है, मैं भी कर रहा हूँ, मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स भी हैं, आपको अपने फेलियर की वजह पता चलनी चाहिए। ये नहीं कि फेल हो गए और पता भी नहीं, जैसा कि बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ मीम्स में ऐसा होता है, लिख कर आए हैं पर नंबर खराब आ रहे हैं, पता नहीं चल रहा कि क्यों खराब आ रहे हैं, वो डिफिकल्ट सिचुएशन है। मुझे देखिए पता था फर्स्ट में भी, हर अटैम्प्ट में मुझे पता था कि यार प्रैक्टिस उतनी नहीं हो पा रही, जैसे मैं साइमल्टेनियसली अभी मेरा लॉ चल रहा है तो मेरा थोड़ा सा प्रीवियस अटैम्प्ट्स में मैं लॉ में कॉलेज की एक्टिविटीज़ में था, तो मुझे डीप डाउन कहीं ना कहीं पता था कि मैं गलती क्या कर रहा हूँ। तो अगर आपको ये पता है कि आप गलती क्या कर रहे हो तो देयर इज ऑलवेज स्कोप फॉर इंप्रूवमेंट, नेक्स्ट अटैम्प्ट में आप उस गलती को सुधार लो। और देखिए ये क्वेश्चन आपने बहुत अच्छा पूछा है, ये मैं जरूर बोलना चाहूँगा, बहुत सारे जो कैंडिडेट्स होते हैं जिनको काफ़ी अटैम्प्ट लगते हैं, देखिए हर किसी की अपनी जर्नी होती है, यूपी खासतौर पर यूपीएससी बहुत बड़ा एग्जाम है, ये कोई एंट्रेंस एग्जाम नहीं है, तो कभी भी अपने फेलियर से ये नहीं सोचना चाहिए कि अरे यार उस बच्चे का पहले अटैम्प्ट में हो गया, वो इतनी एज में हो गया, हर किसी की अपनी जर्नी है, उनका अपना एजुकेशनल बैकग्राउंड रहा है, आपने अपनी लाइफ में कुछ और किया, मान लो आप नहीं पढ़ रहे थे फन कर रहे थे, दैट इज ऑल्सो एन एसेट, वो भी आपने मेमोरी क्रिएट किया, तो इन चीज़ों में कभी पढ़ना ही नहीं चाहिए। आप जो अटैम्प्ट देने जा रहे हो उसमें सोचो कि मुझे प्रीवियस जो गलतियाँ की हैं वो दोहराना नहीं है। बाकी अटैम्प्ट्स क्या है, एज क्या है, कुछ लोग 31 इयर्स में भी निकालते हैं, अनु कुमारी जैसे, कुछ लोग 21 में भी निकालते हैं, कुछ पहले अटैम्प्ट निकालते हैं, कुछ जुनैद अहमद जैसे 5th अटैम्प्ट में निकालते हैं, दैट डज नॉट मैटर एट ऑल। और ऐसे लोगों से बात भी मत करो जो आपको अटैम्प्ट वगैरह इन सब पे टेंशन दे रहे हैं, आपको बस अगले अटैम्प्ट की प्रिपरेशन करनी चाहिए और इंजॉय करना चाहिए अपने इस प्रोसेस को। जो भी व्यूअर्स वीडियो देख रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए क्या मैसेज होगा? यही मैसेज है कि एंजॉय द प्रोसेस, देखिए आप नॉट ओनली ऑफ इंडिया बट ये वर्ल्ड का टफेस्ट एग्जाम है, तो आप सबसे बड़ी लड़ाई जब लड़ रहे हो तो आप रिजल्ट को लेकर फेलियर को लेकर बहुत ज़्यादा कंसर्न मत रहिए, यू आर ऑलरेडी ए वॉरियर कि आप इतना बड़ा एग्जाम चूज़ कर रहे हो, इसलिए अपने प्रोसेस को इन्जॉय करिए, ड्यूरिंग द प्रोसेस ही आप बहुत कुछ डेवलप करोगे अपने आप, मतलब आप यूपीएससी की प्रिपरेशन के दौरान, यूपीएससी नहीं होगा तो कुछ और कर लोगे, मतलब आप अपने आप को डेवलप करोगे, तो इसलिए प्रोसेस को इन्जॉय करिए, दूसरों से कंपेयर मत करिए खुद को, और जो लोग आपको कंपेयर करते हैं उनसे थोड़ा डिस्टेंस बना के रहिए। ओके सर, थैंक यू सर। ओके, थैंक यू सो मच।